तमोगुण को गुण क्यों कहते हैं? गुण शब्द की कई तरह की परिभाषाएं हैं, तो गुण माने सिर्फ अच्छा ही नहीं है। संस्कृत में गुण माने एक क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी भी होगी ना, बैड क्वालिटी भी होगी। इस तरह से सद्गुण भी होगा, दुर्गुण भी होगा। और ये अच्छा बुला अच्छा बुरा ना कहते हुए गुणों को गुण जानो, ये भगवत गीता में यही भगवान ने कहा कि गुण को गुण जानो। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये दैवी गुण से युक्त है। और दैवी गुण में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों हैं। जय गुरुदेव। गुरु जी, चरण स्पर्श समर्पण के लिए प्रथम चरण क्या है? आखिरी चरण भी वही है, प्रथम भी वही है कि तुम मान लो मैं समर्पित हूं ईश्वर के लिए, मैं समर्पित हूं ज्ञान के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए। अपना समर्पण पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए मैं समर्पित हूं कि नहीं। यही मुसीबत आ जाती है सर, फिर लगता है तेरी कमी है, मैं पूरा समर्पित नहीं हूं, नहीं हूं मान लिया, फिर वैसा ही चलता चला जाएगा। इसलिए मैं समर्पित हूं मान के चलो, कुछ जान के चलो। सब कुछ नहीं मान सकते हो, कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो। जय गुरुदेव। हाँ, जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए या दो या तीन चलेंगे? बचपन में जो गुरु बनाए थे उनका सिर्फ उनकी सिर्फ तस्वीर ही देखी है। देखिए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्योति है, ज्ञान है। आप जो भी बचपन में गुरु बनाए वही गुरु आगे आपको लेके चलते चलेंगे। मान लो उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़े हो, यहां तक आए हो, ऐसा मानना चाहिए। सब में एक को देखो और उस एक को सब में देखो। माने इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार एक एक दिन एक एक गुरु बनाते चले जाओगे, ऐसा नहीं। जीवन में एक बार एक पथ पर चले तो उस पर और गहराई में जाओ, डूबो जाओ, ठीक है ना। जब मैं कोई अच्छा काम करती हूं तो अहंकार और बढ़ जाता है, स्पेशली व्हेन आई डू सेवा, देन मुझे लगता है कि मेरा अहंकार बढ़ गया है, इसे कैसे संभालूं? और बढ़ने दो उसको, और इतना बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। देखो और लोगों को देखो चारों ओर, और कितने लोग अच्छे अच्छे और सेवा कर रहे हैं, तो उसको देख के और बढ़ाओ। आपका अहंकार इतना बढ़ जाए तो सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। वो वही बात है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उससे कोई कम नहीं हूं। यहां तक पहुंचने तक बढ़ाते जाओ तुम्हारा अहंकार। हमें अपनी अहंकार से पीड़ा तब होती है जब इसको सीमित रखते हैं या अपने लिए कुछ चाहते हैं। जब आप ईश्वर के होते, मैं ईश्वर का हूं, वो जो चाहे जैसे करना कराना चाहे वैसे कराता है, इस तरह का एक भाव आते ही या सहजता होते ही आप पाओगे आपके अहंकार जैसे है ही नहीं। अब हम जिएंगे जैसे हम है ही नहीं, सब हो रहा है, एक हल्कापन महसूस होएगा। अहंकार माने पीड़ा, वो पीड़ा से हमें दूर होना हो तो एक ही मार्ग है, सहजता। सहज हो जाओ, बाल जैसे बन जाओ, एक बालक या बालिका बन जाओ।